नमस्कार, प्रभात खबर डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया भारती। झारखंड में आतंक का पर्याय माने जाने वाले पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनेश गोप पर झारखंड पुलिस ने 25 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। एनआईए ने भी उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। इस तरह से उस पर कुल 30 लाख रुपए के इनाम थे। इस खूंखार नक्सली को पड़ोसी देश नेपाल से गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसे नेपाल से पकड़ा है। फिलहाल दिनेश गोप को रांची लाने की तैयारी की जा रही है। झारखंड पुलिस और एनआईए ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप को गिरफ्तार किया है। इस शख्स ने पिछले 2 दशक से झारखंड के अलग अलग जिलों में आतंक मचा रखा था। झारखंड में उस पर करीब 150 मुकदमे दर्ज हैं। नेपाल से गिरफ्तार दिनेश गोप को पहले दिल्ली लाया जाएगा, फिर वहां से उसे रांची लाया जाएगा। बता दें कि झारखंड पुलिस की नाक में दम कर देने वाला दुर्दांत नक्सली दिनेश गोप ने नेपाल में अपना वेश बदल रखा था। वह सरदार यानी पंजाबी की वेश में नेपाल में रह रहा था। कहते हैं कि आधा दर्जन से अधिक बार इस खूंखार नक्सली को पुलिस और सुरक्षा बलों ने घेरा, लेकिन हर बार वह बचकर निकलने में कामयाब रहा। कई बार मुठभेड़ में भी घिरा, लेकिन सुरक्षा बलों से जान बचाकर भाग निकला। झारखंड पुलिस के अलावा बिहार पुलिस को भी उसकी तलाश थी। पिछले काफी दिनों से वह नेपाल में छिपकर रह रहा था। आखिरकार शनिवार देर शाम दिल्ली की एनआईए की स्पेशल टीम ने झारखंड पुलिस की मदद से उसे धर दबोचा। PLFI सुप्रीमो और झारखंड पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड नक्सली दिनेश गोप का लंबा आपराधिक इतिहास है। दिनेश गोप पर कई संगीन आरोप हैं। सुरक्षा बलों पर हमला करने के अलावा उस पर लेवी वसूलने, लेवी के लिए ठेकेदारों व्यापारियों को धमकी देने और उन्हें डराने धमकाने के भी आरोप। इतना ही नहीं, दिनेश गोप पर टेरर फंडिंग के भी आरोप हैं। टेरर फंडिंग मामले में ही एनआईए ने उसके खिलाफ जांच शुरू की थी। राजधानी रांची से सटे बेरो प्रखंड में 10 नवम्बर 2016 को PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप के 25,38,000 रूपए जब्त हुए थे। दिनेश गोप के सहयोगियों के 42,80,000 रूपए नगद और करीब 70 लाख रुपए चलाचल संपत्ति एनआईए ने जब्त कर ली थी। नोटबंदी के ठीक बाद 10 नवंबर 2016 को रांची पुलिस ने एक पेट्रोल पंप संचालक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। एनआईए ने 19 जनवरी 2018 को इस केस को टेकओवर किया। एनआईए ने दिनेश गोप के सहयोगी सुमंत कुमार समेत अन्य के ठिकानों से 90 लाख नकदी और निवेश संबंधी कागजात बरामद किए। एनआईए की जांच में पता चला कि दिनेश गोप ने पत्नियों और परिवार के अन्य सदस्यों के जरिए 2 दर्जन से अधिक बैंक में 2.5 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। बता दें कि साल 2020 में ही एनआईए ने दिनेश गोप की दोनों पत्नियों हीरा देवी और शकुंतला कुमारी को भी गिरफ्तार किया था। उनकी दोनों पत्नियों को गिरफ्तार करने के बाद मार्च 2020 में दिनेश गोप के खास सहयोगी जयप्रकाश सिंह भुईया और अमित देशवाल को गिरफ्तार किया। कंपनियों में PLFI के पैसे लगाने वाले गुजरात के व्यापारी की भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।